अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। दोनों एक दूसरे पे जान निछा करने वाले दोस्त कैसे बन गए एक दूसरे के दुश्मन। कमीने जलील, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा विश्वासघात करेगा मेरे साथ। बम्बई की जुहू में बैंडस्टैंड इलाके में देवदूत अपार्टमेंट हुआ करता था उस समय, और उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहते थे छह दोस्त। ये छह दोस्त थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष खाई, असरानी, महमूद के छोटे भाई अनवर अली और अनिल धवन। एक ही फ्लैट में ये छह दोस्त रहते थे और ये फ्लैट था महमूद साहब का। मगर आगे चलकर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में गहरी दोस्ती हो गई, और जितने भी बम्बई में स्ट्रगलर उस समय थे 70s के जमाने में, सब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के कस्मे खाते थे कि दोस्त हो तो ऐसा हो। अमिताभ बच्चन बहुत शाय किस्म के इंसान थे, वो किसी भी लोग या महफिल में घुल मिल नहीं सकते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ को ले जाते थे प्रोडक्शन हाउस में, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर में, ताकि अमिताभ का जो ये घबराहट है, ये घबराहट दूर हो। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत अच्छी थी। ये छह दोस्तों में शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत चमक गई, और शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत ही जल्दी नाम और शोहरत हासिल कर ली थी। शत्रुघ्न सिन्हा को काफी फिल्में ऑफर हो रही थी इस समय, और उनके स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग को बोलने की अंदाज, चलने की अंदाज को प्यारा था, और शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग काफी फेमस होने लगे थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा अपने ही प्रोड्यूसर, जिन जिन के पास वो शूटिंग करते थे, सबके पास अमिताभ बच्चन को ले जाते थे और अमिताभ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरे दोस्त है, बहुत ही टैलेंटेड है, आपके अगर फिल्मों में कोई रोल हो तो इस लड़के को दीजिए। तो इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन पर मेहरबानी की उस समय, और इसके बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ एक ही फिल्म में देखे, बॉम्बे टू गोवा। ये महमूद प्रोडक्शन का फिल्म था, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो थे और शत्रुघ्न सिन्हा विलन थे, मगर शत्रुघ्न सिन्हा हीरो पर भारी पड़े थे इस फिल्म में। इसके बाद इसी फिल्म के एक एक्शन सीन को देखते हुए सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को जंजीर का ऑफर दिया था, और इसके बाद अमिताभ बच्चन भी किस्मत चमक उठी। मगर इसी के बाद हुआ शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन में दरार। जो दोस्त एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे, वही दोस्त अचानक से सक्सेस मिलने के बाद जैसे दूर दूर होने लगे, खास करके अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी एक ही इंसान थे, तो इसी सेक्रेटरी को लेकर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में पहली दरार शुरू हुई, क्योंकि अमिताभ ये समझने लगे कि शत्रुघ्न सिन्हा के जो सेक्रेटरी है वो शत्रुघ्न सिन्हा के काफी करीब है, वो अमिताभ बच्चन को इतना फिल्में या इतना बैक नहीं कर रहा है जितना शत्रुघ्न सिन्हा के पास फिल्मों की बौछार होने लगी है, अमिताभ बच्चन के पास बस इक्का दुक्का फिल्म ही आ रहा है। अमिताभ बच्चन ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बदल दिया शत्रुघ्न सिन्हा को बिना कहे, अमिताभ बच्चन ये फैसला कर लिया था। तो शत्रुघ्न सिन्हा को ये भी थोड़ा अजीब लगा कि अमिताभ बच्चन बिना पूछे शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी को अपने काम से हटा दिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी सारे फिल्में की एक साथ, जैसे काला पत्थर, दोस्ताना, शान, अगर फिर भी इन सब फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से भारी पड़ने लगे थे। खास करके काला पत्थर फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा था, खास करके इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की जो डायलॉग है वो डायलॉग लोगों की जुबान पर आज भी घूमता है। इसी फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में काफी गर्मा गर्मी हुई थी, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा अगर शॉट में एक साथ थे, जैसे ही शॉट कट हो जाता था तो अमिताभ बच्चन सीधा दूर चले जाते चेयर लेकर, यानी शत्रुघ्न सिन्हा के पास भी नहीं बैठते। इसी काला पत्थर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का जो रिलेशन दिखाया गया है फिल्म में, उसकी असल जिंदगी में ऐसा ही होने लगा था। अमिताभ ने दोस्ताना फिल्म के बाद यह तय कर लिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इसके बाद शान की शूटिंग के वक्त जब शत्रुघ्न सिन्हा के पिताजी का देहांत हो गया, तो अमिताभ बच्चन ये जानते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा के घर नहीं गए, उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, और शत्रुघ्न सिन्हा को ना ही कोई दिलासा दिया, ना ही कोई फोन किया। तो ये बात शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत दिल में चुभी। तो ऐसी छोटी मोटी कई सारे कहानियां, कई सारे बातें जो इन दोनों में
पहले चलता रहता था उस समय जब शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन पर कोई कमेंट करने लगे और अमिताभ बच्चन भी उस कमेंट का जवाब देने लगे कि दोनों एक साथ फिल्म तो नहीं कर रहे थे, लेकिन पेपर में मैगजीन में दोनों की ये गुफ्तगु चलती रहती थी, दोनों एक दूसरे पे जैसे आग उबल रहे थे। तय हो गया था कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा फिर से कभी दोस्त नहीं बन सकते थे और ये काफी सालों तक, यानी कह सकते हैं करीब 30-35 सालों तक ये सिलसिला चला। यहाँ तक कि जब अमिताभ बच्चन की बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी हुई थी तब अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलवाया था। अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा के घर एक मिठाई का डब्बा भेज दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने मिठाई का डब्बा अमिताभ बच्चन को वापस कर दिया ये कहते हुए कि जब मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मिठाई का डब्बा लेने देने क्या फायदा। और ये बारे में जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया तो अमिताभ बच्चन ने कहा शादी में दोस्त को बुलाया जाता है और किसी को नहीं। तो इसमें साफ जाहिर हो गया था कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मगर 35 सालों के बाद एक टीवी शो में अचानक फिर से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दिखे। इस टीवी शो को होस्ट कर रहे थे रितेश देशमुख और फिर ये दोनों एक दूसरे में ऐसे लिपट गए जैसे ये 1970 का वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक ही कमरे में रहते थे, एक ही रूम शेयर करते थे और दोनों एक ही साथ खाते थे, पीते थे, कहीं भी जाते थे। अमिताभ के बिना शत्रुघ्न अधूरा था और शत्रुघ्न के बिना अमिताभ अधूरा था। आज 2024 में दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी कायम है। आज दोनों के बीच में काफी सारे दरार जो है वो दूर हो गए। हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी दिन अगर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्मों में एक सीन के लिए भी नजर आए तो क्या बात होगा। तो ये था अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।